चेन्नई ज्वेलर्स का आरोप है ₹800 करोड़ की बैंक फ्रॉड, सीबीआई फाइले शिकायत। सीबीआई ने 14 बैंक कंसोर्टियम की ओर से एसबीआई से शिकायत पर कनिष्क गोल्ड के खिलाफ मामला दायर किया है। चेन्नई की एक ज्वेलरी कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई ने एक मामले दर्ज कर लिए हैं, जिसमें 14 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने का आरोप है ₹824 करोड़। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बुधवार को कहा, इस कंसोर्टियम का नेतृत्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कंसोर्टियम की ओर से एसबीआई से शिकायत पर मामले दायर किए। अधिकारियों ने कहा, सीबीआई ने कंपनी कनिष्क गोल्ड, इसके निर्देशकों भूपेश कुमार जैन, नीता जैन, तेज जहां, अजय कुमार जैन और सुमित केडिया और कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने बुधवार को कनिष्क गोल्ड के प्रमोटरों के अधिकारियों और घरों पर छापेमारी की। कंपनी के ब्रांड क्रेज के तहत गोल्ड ज्वेलरी का विपणन किया जाता है, जिसे 2014 तक वितरकों के माध्यम से बेचा गया था। 2015 में उसने अपने बिजनेस मॉडल को B2B या बिजनेस टू बिजनेस में बदल दिया और बड़े खुदरा जौहरी को आपूर्ति शुरू कर दिया। एसबीआई ने शिकायत में कहा, सीबीआई को 2008 में आईसीआईसीआई बैंक से एसबीआई ने कंपनी के ऋण खातों को अधिग्रहण किया था, जबकि मार्च 2011 में इसकी बैंकिंग व्यवस्था को कई बैंकिंग सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया था। एसबीआई ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी ₹824.15 करोड़, लेकिन हानि को कवर करने के लिए उपलब्ध सुरक्षा केवल ₹156.65 करोड़। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि वे शिकायत के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए बैंक के संपर्क में थे। एसबीआई की शिकायत एजेंसी को अपनी खोजों को पूरा करने से पहले सार्वजनिक कर दिया गया था। सीबीआई में चिंता जताते हुए कि वह महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं पा सके। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ निहित स्वार्थ ने शिकायत को लीक कर लिया। एसबीआई ने आरोप लगाया है कि कनिष्क गोल्ड 2009 के बाद से गुलाबी तस्वीर दिखाने के लिए कंपनी के रिकॉर्ड और वित्तीय वक्तव्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत और गलत साबित कर दिया, और ऋण लेने के लिए कनिष्क गोल्ड और उसके निदेशकों ने कथित रूप से बैंक के हितों के खिलाफ एक कदम में धन का इस्तेमाल किया। एसबीआई ने शिकायत में कहा, शिकायत में कहा गया है कि कंपनी के खाते को 2018 में कई धोखाधड़ी और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में घोषित किया गया था।